हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके फ़ोन पर यहाँ पे ये जो गूगल फ़ोटो का एप्लीकेशन है उसमें यहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे ये वर्क नहीं करता है, या तो फिर आपके फ़ोन में जो भी फ़ोटोज़ वगैरह गैलरीज़ की होती हैं वो यहाँ पे आपको इस जो एप्लीकेशन है उसमें यहाँ पे आपको शो नहीं करता है, या तो फिर और कई सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन पे जाना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपको जो है फ़ोटोज़ लिखना है। तो फिर उसके बाद जो है आपके फ़ोन पर ये जो एप्लीकेशन है वो आएगा, तो आप उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन परमिशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको फ़ोन का परमिशन अलाउ कर देना है। फ़ोन का परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल एंड मीडिया का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके इसका भी परमिशन यहाँ पे आपको अलाउ करना है। तो दोनों का परमिशन आप अलाउ कर दीजिए, या तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे आपको आपके फ़ोन पर जितना भी परमिशन रहता है सभी का परमिशन आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो सभी परमिशन को अलाउ कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये रेस्ट्रिक्टेड डेटा यूसेज का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको वाईफाई और मोबाइल डेटा का ऑप्शन आएगा, तो दोनों को आपको इस तरीके से इनेबल करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे सेटिंग करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आएगा और इसी तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।